सुंदर आदमी है, लक्ष्मी का दिल फिसले जा रहा है डॉक्टर पे, पर फिर सोचती ऐसे तो बच्चे भी होंगे, पत्नी भी होगी, तो ऐसे बारिश नहीं था, दिल तो आता था, हिम्मत नहीं होती थी, ऐसी लक्ष्मी के साथ है। और डॉक्टर के आने से पहले एक और आदमी आ गया प्यारू, उसे कहा हट जाइए डॉक्टर साहब, साबुन से हाथ धोएंगे। तो साबुन क्या होता है? ये होता है ये साबुन, साबुन गांव में है नहीं किसी के पास, कपड़े धोने वाला है, साबुन चाहिए तो गमका हुआ साबुन, विश्वनाथ कह रहे कि गमका हुआ साबुन लक्ष्मी कमली के पास है, उससे मंगवा लेते हैं। तो गमका हुआ साबुन रखवाया गया है डॉक्टर साहब के हाथ धोने के लिए, एक छोटा सेंटर बना दिया है, डॉक्टर साहब आएंगे, फिर डॉक्टर साहब आए, प्यारू ने सबसे बात बात कर ली है, प्यारू ने खुद ही उनको अपना कंपाउंडर नियुक्त कर लिया है, डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है भैया नियुक्त हो ही तो फिर क्या कर सकते हैं, करते हैं साथ में काम। डॉक्टर से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? प्रशांत। आगे? प्रशांत कुमार। नहीं नहीं नहीं, जात कौन सी है? प्रशांत को अपनी जात सच में नहीं पता, वो तो मटकी जात का व्यक्ति है कि मटकी है मेरी जात, मटकी से पैदा हुआ हूं। फिर बैनर्जी वाली कहानी बीच में आती है कि वो बैनर्जी कहता है, पर बैनर्जी बेचारा जानता भी नहीं होगा कि कोई व्यक्ति उसके नाम का इस्तेमाल ऐसे कर रहा है। धीरे धीरे गांव में लोगों को प्रशांत समझ में आने लगता है, वो अपना काम कर रहा है ईमानदारी से, मेहनत से, लोग उसको ठीक से एक्सेप्ट करने लगते हैं। इधर बालदेव जी लगे हुए हैं कांग्रेस की जड़ें गांव में मजबूत करने के लिए, और जैसी गांव में जरा सी भी हिंसा होती है वो अनशन पर बैठ जाते हैं, और गांव के लोगों को अनशन पता लग गया क्या होता है कि जब भी हिंसा बात हो अनशन पर बैठना है, गांव के लोग भी साथ में बैठते लग गए कभी कभी उनके साथ। ये तीन चार कहानियां समानांतर रूप से लगातार इस उपन्यास में चलती रहती हैं। अब हम प्रशांत की कहानी से बात शुरू करते हैं आगे, फिर बीच में मटकी कहानी भी लेके आएंगे। प्रशांत की इच्छा ये है कि वो गांव में रिसर्च करके, वो कह रहे कि मैं चाहूं तो कोई महंगा रिसर्च कर सकता हूं, किसी विकसित देश में जा ही सकता हूं, दवाइयां ईजाद कर सकता हूं, लेकिन मैं जो दवाई बनाऊंगा उस दवाई की कॉस्टिंग है 10 पैसे और मेरे लिए वो 50 रुपए की, और ऐसी दवाई आम आदमी खरीद नहीं पाएगा, इसलिए मैं यहीं रहकर मलेरिया की जो दवाइयां उपलब्ध हैं उनसे सस्ती दवाई बनाना चाहता हूं ताकि एक एक आम आदमी दवाई खाकर अपना जीवन बचा सके। तो वो बहुत सारे चूहे खरगोश बंदर इन सब पर रिसर्च करता है, और रिसर्च करने के प्रोसेस में जो प्यारू है वो उसकी मदद करता है, कुछ लोग और भी उसकी मदद करते हैं जिनमें से एक स्त्री का नाम है गणेश की नानी। डॉक्टर साहब रिसर्च कर रहे हैं, अचानक कोई भागा भगाया, हुजूर चलिए चलिए विश्वनाथ जी की बेटी कमली बेहोश हो गई है। डॉक्टर को लगा पता नहीं क्या हो गया, डॉक्टर गया, विश्वनाथ जी कह रहे हैं हुजूर हमारी बेटी को बचा लीजिए, एक ही बेटी हमारी इसको बचा लीजिए, बेटी बेहोश पड़ी है। देख रहे बड़ी सुंदर सी लड़की है, उसको किसी भी रूप में शरीर देख के लग नहीं रहा कि बीमारी होनी चाहिए, स्वस्थ लग रही है एकदम। थोड़ी देर में डॉक्टर समझ गया कि या तो नौटंकी कर रही है या फिर नौटंकी खूब होती है बेहोशी के नाम पर, तो या फिर इसको कोई मानसिक सदमा लगा हुआ है, थोड़ी बैकग्राउंड होती है सदमा क्यों लगा। कमली जो है कमला नदी के प्रताप से उसका जन्म हुआ है, विश्वनाथ जी की संतान नहीं थी, कमला नदी से आशीर्वाद मांगे, कमला नदी ने आशीर्वाद दिया तब बेटी हुई, इसलिए उसका नाम कमला ही रखा गया था। तो जब कमला बड़ी हुई तो उसकी शादी की बात चली, 3 घरों में बात चली, पहले जिस घर में बात चली बात हो गई फाइनल, लेकिन शादी से पहले लड़के की मां मर गई, तो लड़के वाले बोले ना भैया लड़की ठीक नहीं है, माँ तो पहले मर गई है, पता नहीं कितने मारेगी भी, तो हम इससे ब्याह नहीं करेंगे, तो शादी टूट गई। दूसरी शादी सेट हुई, जहां दूसरी शादी फाइनल हुई उसे घर में आग लग गई, फिर वो भी कैंसिल हो गई, लेकिन बाप ने हिम्मत नहीं हारी, तीसरी जगह शादी सेट की, दहेज वहेज भी खूब देने का प्रॉमिस किया, तीसरी जगह लड़का खुद ही मर गया, और तब से ये बात विख्यात हो गई कि ये अपशकुनी है। उसके बाद बाप ने सोचा अब क्या करूं, अंत में एक बेरोजगार को ढूंढा, उसे घर जमाई बनाने की व्यवस्था की, और जैसे ही इसको पता लगा कि घर जमाई बनाने के लिए इसको ढूंढा है, उस दिन से उसको दौरे आने लग गए, बेहोश हो जाती है,
क्योंकि उसके ऊपर इतना दबाव है सामाजिक परंपराओं का, अपशकुनी हूं मैं, मेरी वजह से कोई मर गया, ये सब दबाव किसी भी डालेंगे तो बेचारा पागल हो ही जाएगा, बेहोश है। डॉक्टर समझ गया, डॉक्टर ने आंख की पुतली देखी, एकदम ठीक है, नब्ज देखी, वो भी ठीक है। सेबिया ने कहा, कौन सेबिया? साई का। उससे कहा डॉक्टर साहब लर लगा के देखो, लर लगा के, लर मतलब स्टेथो। डॉक्टर जब कान में वो लगा तो ऐसे करता है, गांव के लोगों को भरोसा है कि सारा ज्ञान अंदर चला जाता है, सारी नॉलेज अंदर चली जाती है, क्या है क्या नहीं है सब पता लग जाता है। तो वो भी कर लिया। फिर डॉक्टर ने खेल खेला, उसने कहा इंजेक्शन देना होगा, और जैसे ही कहा इंजेक्शन देना होगा वो ठीक अचानक, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक। डॉक्टर ने कहा नहीं अब तो इंजेक्शन देना है। नहीं नहीं मैं ठीक हूं, मैं एकदम ठीक हूं, तो दवाई तो दे, नहीं मैं दवाई नहीं खाऊंगा, मैं दवाई नहीं खाऊंगा, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। डॉक्टर ने कहा चलो मीठी वाली दवाई दे देता हूं, तो हट दवाई भी कोई मीठी होती है? इशारे से कहा, ये कहा नहीं, मन में कहा। तो डॉक्टर और उसके बीच में मीठी दवा एक संकेत बन गया है कि मीठी दवाई वाला डॉक्टर है, बेहोशी डॉक्टर है, बेहोशी डॉक्टर। अब ये क्योंकि डॉक्टर आता है बेहोश होने पर, इसलिए बार बार बेहोश होती है। उसके बाद खेलिया भी शुरू हो गया। खैर वो उसको ठीक करके लौटा, जैसे ही लौटा फिर कोई आया, फिर बेहोश हो गई। फिर ये क्या बोला, इस बार तो इंजेक्शन देना ही होगा। फिर उठ गई और अंत में ये सेटलमेंट हुआ कि दवाई ले लो, और ये भी समझाया कि इसके बेहोश होने की असली वजह ये है कि इसके मन पर बहुत गहरा अवसाद है, और उस अवसाद को दूर करने की कुछ नई नई युक्तियां डॉक्टर सोच रहा है। क्योंकि अवसाद को दूर करने का तरीका है मन पे एक ऐसा झटका लगे कि अचानक मन उस चीज से बाहर निकल जाए, वो उसी कोशिश में लगा हुआ है। कमली के मन में डॉक्टर साहब बैठ गए, कमली मन ही मन उनसे इश्क करने लगी है। डॉक्टर अभी नहीं करने लगा है, आगे चल के वो भी करेगा, लेकिन अभी कमली के मन में इश्क पैदा हो गया है। ये इधर की कहानी चल रही है। उधर मठ, मठ में काशी से आचार्य जी आने वाले हैं। आचार्य गुरु आने वाले हैं और वही घोषणा करेंगे कि नया महंत कौन है। नया महंत बनना है सेवा रामदास को, क्योंकि रामदास ही मोस्ट डिजर्विंग आदमी है। इस बीच में गांव में कालीचरण का खौफ होने लगा। कालीचरण थोड़ा गुंडों की तरह से बात करता है, दबंग आदमी है, बालदेव डरपोक आदमी है, हिंसा मत कीजिए, हिंसा देखिए हिंसा मत कीजिए, अच्छा हम भाग रहे हैं हिंसा कर लीजिए, तो बालदेव उस तरह का आदमी है। लक्ष्मी को बालदेव पर बड़ा भरोसा है। उसने कहा है बालदेव से, देखिए सेवादास महंत बन जाए ठीक है, कोई और नहीं बनना चाहिए। तो उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए जो सेरेमनी होने वाली है उसके लिए एक सुरती आया हुआ है लर सिंहदास नाम का, जो पुपड़ी मठ पर महंत हो सकता था किंतु गांजे के व्यापार की वजह से जेल में था उस समय, बेचारा महंत बन नहीं पाया। आया तो इसलिए था कि प्रोसेस होना है तो उसमें उसकी ड्यूटी लगाई गई थी, पर यहां आके उसका दिल डोल गया है। लरसिंह दास ने देखा कि इस मठ की महंती में तो बहुत मजा है, एक तो खेती की जमीन बहुत सारी है, मतलब बगीचे हैं, जमीनें खेतों की है, इतना रेवेन्यू आता है मठ के पास, और अंत में देखा और इन सबसे ज्यादा बेहतर लक्ष्मी वहां है, और लक्ष्मी जो है मठ के महंत की पदेन क्या है दासिन है, कि वो उसकी दासी हो जाएगी, और इन सब लंपटों का करेंगे बीजक बीजक सुबह से रात तक, लेकिन माया से बचिए, माया से बचिए, माया से बचिए, हाँ तुम लोग बच लो, तुम लोग बच लो, एक से एक लंपट सब लोग हैं। अब इसका दिल आ गया है, अभी कैसे करें? तो दुष्ट तो इतना है कि एक दिन लक्ष्मी नहा रही है तो दरवाजे में झांक के देखना चाह रहा है, तो पिटा कस के सेवादास को पता लगा, इतना पिटा है इसको, उसके बाद खूब कुटाई इसकी हुई है, रामदास को सुना पिटाई हुई। अब एक गांव में घूम घूम के सबको बोल रहे कि देखिए असली हकदार में हूं मैं, अंग्रेजी में बीजक पढ़ता हूं, इसका जो बेसिक आर्गूमेंट है, मैं अंग्रेजी में बीजक पढ़ता हूं, असली हकदार में हूं, और मैं जब बन जाऊंगा मठ का महंत
तो मठ के पैसे से स्कूल खुलवाऊंगा, ये खुलवाऊंगा, वो खुलवाऊंगा, जनता की बहुत सेवा करूंगा। तो जनता इसके पक्ष में कुछ कुछ आने लगी है। और लक्ष्मी को अच्छे से पता है कि इतना लंपट आदमी है कि अगर ये, क्योंकि रामदास को वो जानती है कि बहुत समय से सास में है, तो उसको मैनेज करना उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं है। अब एक नया लंपट आ गया है, इसको संभालना बड़ा मुश्किल होने वाला है। उसने बालदेव से कहा, बालदेव जी देखिए। बालदेव बोले, देखिए जो कानून से होगा, नियम से होगा, उसमें कोई क्या कर सकता है, और हिंसा तो हम करेंगे ही नहीं, हम तो अहिंसा वाले आदमी हैं। नरसिंह दास ने आचार्य जी को भी सेट कर लिया है रिश्वत का ऑफर देके कि आपको इतना देंगे उतना देंगे, ऐसे करके आचार्य जी भी खुश हैं। और इसी सेरेमनी को पूरा करने के लिए एक गुंडा आया जिसका नाम है नागा बाबा या नागा साधु। भीषण भयानक आदमी है। एक तो नागा है तो नग्न रहता है, भभूत मल के रहता है, बाल लंबे लंबे हैं, डाकू मतलब समझ सकते हैं आप कैसे। और इसकी भाषा ऐसी है कि जैसे किसी में गुस्सा आता है पहले 15-20-25 गालियां, उसके बाद काम की बात। मच्छर काटे इसकी प्रसिद्ध गाली है, माँ को मच्छर काटे, बाप को मच्छर काटे, तेरे इसको मच्छर काटे, यहां से शुरू करता है। और उसके बाद जो गालियां सामान्य जीवन में चलती हैं वो सारी की सारी गालियां धारा प्रवाह तरीके से देता है। और लिंग समानता का बर्ताव करता है, पुरुष हो या नारी सबको बराबर गालियां देता है। इसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि गाली जिसको दे रहा है वो पुरुष है या नारी है, कोई लक्ष्मी को भी इतनी गालियां बकता है। रामदास इसके हाथ पड़ गया एक दिन, रामदास को बहुत गालियां बकी किसके, और सुबह शाम लक्ष्मी के कमरे में झांकता जरूर है, उतना ही लंपट ये भी है। और लक्ष्मी ने देख भी लिया है उसको ऐसी हरकत करते हुए, रामदास को बताया भी है। अब आचार्य जी आए हैं, साथ में बहुत सारे मूर्ति आए हैं छोटे छोटे, ये सब मिलके सेलिब्रेशन करेंगे और घोषणा करेंगे कौन नया मंत होगा। बालदेव जी भी, सब लोग गांव में बैठे हुए हैं, आचार्य जी मंच पे हैं। आचार्य जी कह रहे हैं, देखिए जो सूचना हमारे पास है उसके तहत सेवादास जी अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करके नहीं गए हैं, और जब वो उत्तराधिकारी की घोषणा करके नहीं गए हैं तो ये फैसला करने की शक्ति हमारे पास है, और योग्यताओं को देखते हुए नरसिंह दास ही यहां के सही महंत हो सकते हैं। सब चुप, बालदेव भी चुप, लक्ष्मी देख रही बालदेव को, बालदेव देख रहे हैं उसको, कौन, नरसिंह दास को। लेकिन लक्ष्मी ने एक दिन पहले कालीचरण से कहा, क्योंकि कालीचरण नया नया डॉन है गांव का, कालीचरण से कहा, देखिए आपके होते हुए गलत होगा तो अच्छा नहीं होगा। बोले बताइए ना क्या करना है। बोले करना ये है कि ये लोग कोशिश कर रहे कि नरसिंह दास महंत बन जाए, जबकि सेवादास इसको रामदास को बनना चाहिए। और चिंता मत कीजिए, हमारे होते हुए कुछ नहीं होगा। और ये चली जाता, और हम नरसिंह दास को इस मठ का महंत नियुक्त करते हैं। सब चुप है, कालीचरण खड़ा हुआ, बोला आचार्य जी हम सबको गधा समझते हैं क्या। नागा साधु उठा, मच्छर काटे, कुत्ता काटे, ये काटे, वो काटे। उसने कहा पहले इससे निपट लेते हैं। दो झापड़ मारे कसके नागा बाबू को, धमला नीचे गिरा, फिर कसके पीटा, लाते बाते मारी, नागा बाबू भागा। और ऐसा भागा कि पीछे पीछे सारे कुत्ते भागते भागते भागे। उसको गांव की सीमा पर छोड़ के आए हैं। ये असर पूरा हो गया, बालदेव जी दुखी है, तो हिंसा बात हो गया। हिंसा बात नहीं होना चाहिए, महात्मा गन ही कहन है, हिंसा बात नहीं होना चाहिए। अब कालीचरण ऐसे कर रहा है तो आचार्य जी अब बताइए। आचार्य जी कह रहे नहीं नहीं हमें तो कुछ पता ही नहीं था, हमें तो ये बताया गया था। तो कालीचरण कह रहे हम सब गधे हैं क्या, इतने साल से रामदास यहां पर रह रहा है, पूरा गांव देखता है, आप किसी को लाके हम बिठा देंगे, हम सब गधे हैं क्या। आचार्य जी को अपनी सुरक्षा की चिंता की, नंबर दो मेरा ही ना हो गया है कि नहीं 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 ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, अगर पहले पता होता तो बात ही नहीं थी, अगर सेवादास जी कह गए हैं तो रामदास ही बनेगा, क्या कहने की बात है। तो हम रामदास को ही यहां का महंत घोषित करते हैं।
और रामदास को महंत ही इस तरह से मिली और रामदास जैसी महंत बना, उसकी नजर किस पे है? बगीचा और साथ में लक्ष्मी। और इसके बाद पोषण की नई प्रक्रिया शुरू होती है।